मकान, गहरी नींद में सो रहे परिजन, मकान गिरने से हुए घायल। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद ब्लॉक मुंडा पांडे क्षेत्र के गांव दोलारी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहम्मद फहीम का मकान सोते हुए परिवार के ऊपर ज्यादा बारिश हो जाने के कारण भरभराकर गिर गया। मकान गिरने से परिवार में चीख पुकार मच गई। परिवार की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, वहां देखा कि फहीम का परिवार मकान की छत के नीचे दबा हुआ है। परिवार को दबा देखकर पड़ोसियों ने भारी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जिसमें फहीम के दो बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए। बच्चों को गांव के ही हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करा दिया। बताया जा रहा है कि फहीम एक गरीब परिवार से है जिसका मकान कच्ची मिट्टी से बना हुआ है। वहां थोड़ा बूंदाबांदी के चलते ही छत रात के किसी समय सोते हुए भरभराकर परिवार के ऊपर गिर गई। छत गिरने से परिवार के कुछ सदस्य घायल हो गए। फहीम ने उच्च अधिकारियों से विनती करते हुए कहा कि मुझे कोई ना कोई आवास दिला दिया जाए, जिससे मेरे और मेरे बच्चों के लिए सर ढकने के लिए कुछ सहारा हो जाएगा। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, वहाँ उनका उपचार चल रहा है। मेरा नाम मोहम्मद फहीम है। कहाँ के निवासी? दोलारी। क्या हादसा हुआ रात, क्या मामला? ये रात करीब 3 बजे टाइम था, ये छत पूरी झड़झड़ा ही झड़झड़ा कर गिर गई। कुछ बच्चे अंदर सो रहे थे, ये तख्त पड़ा था यहाँ पे, हम कुछ बाहर सो रहे थे, बच्चे बरामदे में थे, मैं बाहर था, पूरा मोहल्ला यहाँ आ गया, बच्चों को दबा को निकाला गया। बच्चों के जो दब घायल हैं, क्या नाम है? बच्चे एक का नाम सलमान है, एक का नाम आरिश है। दोनों को चोट आई है उनके बहुत, घर वाली के कूले में चोट आई है। घर वाली का नाम क्या? घर वाली का नाम नाजरीन है। फिर उसके बाद बच्चों से निकाले गए, सारी लकड़ी में निकाले गए, काफ़ी नुकसान भी हो गया। आपसे ही चाह रहे हैं कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलनी चाहिए, गरीब हालात हैं, आपको तो मालूम है सब कुछ, देख लीजिए आप आके भी। इसमें कितने समय में निकले बच्चे बाहर? इसमें कम से कम 1 घंटे के बाद में निकाले हैं बच्चे, बहुत हालत खराब थी बच्चों की। तो फिर था वगैरह कोई यहाँ पर आए? हाँ आए थे, मोहल्ले का आए थे सब। हाँ रात किस टाइम घटना? करीब 2:30 बजे के टाइम की। हाँ और कोई तो चोट नहीं लगी किसी के? ना और किसी के नहीं लगी, बस इनके लगी थी। तीन लोग घायल? 3 लोग घायल।